गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आप लोगों को राग मालकोश सिखाऊंगा। राग मालकोश सिखाने से पहले इसका जो जाति है वो है औरग। औरग औरग जाति का राग क्या होता है? जिस राग में 5 स्वर लगता है वो औरव जाति का है। जिस राग में 6 स्वर है वो षाड़व जाति का राग है। जिस राग में 7 स्वर है वो होता है संपूर्ण जाति का राग। तो राग मालकोश औरव जाति का राग है। दोनों तरह की औरव है, ये आरोह एंड अवरोह। आरोह अवरोह के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और राग का जो बोल होता है उस बोल का नाम है वंदिश। राग का वंदिश बोला जाता है। राग का वंदिश का दो पार्ट होता है, एक होता है स्थाई, एक है अंतरा। स्थाई जो है वो है जो गाने का मुखड़ा है, जो शुरुआत है उसको बोलता है स्थाई। और अंतरा है लास्ट पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है गाने का, हाई पिच वाला पार्ट है, वो होता है अंतर। तो राग में दो ही पार्ट होता है, एक स्थाई एंड एक अंतरा। और राग का जो बंदिश है स्थाई का, उसका बोल है मुख मूर मूर मुस्कात जात, अति छबीली नार कर कर श्रृंगार। पहले आरोह एंड अवरोह। अभी आइए सरगम या तान। बंदिश का स्थाई सिखाया और साथ में 4 सरगम या तान सिखाया।
अगले क्लास में आप लोगों को इसका अंतरा एंड फिर से तान सरगम नया सिखाऊंगा और इसका ताल के बारे में बताऊंगा मैं अगले क्लास में, ये कौन सा ताल में है ये और कैसे चाल है इसका ताल का, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।